नमस्कार, क्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। संजारी बालोद विधानसभा से प्रथम महिला प्रत्याशी संगीता सिन्हा लाव लश्कर के साथ नामांकन भरने निकली। सबसे पहले गुरूर में माता का आशीर्वाद लिया और बालोद कांग्रेस भवन पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर रैली के माध्यम से नामांकन दाखिल करने पहुंची। कांग्रेस से अधिकृत तौर पर नामांकन जमा करने के बाद वर्तमान विधायक की पत्नी संगीता सिन्हा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि जो सपना मेरे पति ने देखा था उन्हें मैं पूरा करूंगी, जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। मेरे पति ने विधायक कार्यकाल में कई सारे काम कर आए हैं जिनको जनता भलीभांति जानती है और हम स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुखता से लेकर आगे बढ़ेंगे, यही हमारा लक्ष्य होगा। आगे जब उनसे पूछा गया कि विधायक भैया राम सिन्हा का विरोध भी काफी है, जवाब में उन्होंने कहा कि अफवाहों का दौर चलते रहता है, हम अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और निरंतर आने वाले संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां संगीता सिन्हा नामांकन दाखिल करने निकली तो दूसरी तरफ उनके पति विधायक भैया राम सिन्हा पूरे विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं के साथ पैदल आ जा रहे थे। उन्होंने कुछ नाराज लोगों को भी साथ में जोड़ लिया है जो कभी कांग्रेस से दूरी बनाकर चलते थे। संजारी बालोद के साथ ही डोंडी लोहारा से विधायक अनिला भेड़िया ने भी नामांकन भरा। इसके साथ ही गुंडरदेही से गुंडरदेही विधायक प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद ने भी नामांकन भरा, जिसके बाद से अब चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है। नामांकन हम दाखिल कर लिए हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपको इस चुनाव को लेकर? आगे की रणनीति मेरी यही रहेगी कि जो किसान मेन मुद्दा किसान के लिए जो आगे काम करना है वो रहेगा और स्वास्थ्य दो चीज और महिलाओं के लिए काम करना है। जो एक बड़ी बात सामने आ रही है, जैसे पूर्व में आपके पति भी विधायक रहे, वर्तमान में विधायक हैं, कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को लेकर मतलब बयानबाजी जारी करी कि विधायक ने सिर्फ विरोध किया है, विकास नहीं किया है। इस बीच आपको भी उन्हीं के साथ प्रचार में जाना है, आप आम जनता से कैसे रूबरू होंगे? एक्चुअली जब सरकार रहती है तभी हमारा काम होता है, हमारी सरकार तो है नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए किसानों के लिए, तो बहुत किया है। क्योंकि अब एक महिला कैंडिडेट है, क्या लगता है पहली बार कांग्रेस में महिला प्रत्याशी से भरोसा जताया, इसका लाभ कितना मिल सकता है आपको? बहुत ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने महिलाओं पर विश्वास करके इस बार महिला टिकट दी है और हमारी जनता चाहती थी महिला टिकट की। मैं चाहती हूँ बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे मतों से विजय मिलेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।